अगर मन में अहिंसा का भाव लिए चल रहे हो तो जैन हो तुम। अगर जिंदगी के हर सफर में नमोकाल मंत्र की जाप लिए चल रहे हो तो जैन हो तुम। कोई सुनना देखो देखो हाँ भाई, माँ होती है, बहन होती है, लेकिन देखो समझ नहीं आती। देखो देखो यूनिवर्स कैसे बने कपड़ों के रहते हैं। हाँ भाई, माँ होती है, बहन होती है, लेकिन देखो समझ नहीं आती। क्या सच में हमारा धर्म इतना बुरा है जितना ये लोग बोलते हैं? अब मन नहीं करता था जाने का। और अतिशय क्यों अतिशय, तुम्हारी दीदी आज स्कूल पढ़ाने क्यों नहीं आई? उन्हें घर पे कुछ काम होगा। क्यों अतिशय, क्या हुआ, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है क्या? वो अब नहीं रहे। क्यों अतिशय, क्या बात है, क्यों नहीं जाना तुम्हें स्कूल? दीदी मुझे सब परेशान करते हैं, मुझे अब कुछ समझ नहीं आता कि हमारा जाना गलत है क्या। अतिशय को अपना जैन होना बुरा लगने लगा था, तब भी वो रोज मंदिर जाता था। और कितना करोगे परेशान बताओ, मैं हमेशा आपके पास आता हूँ, हर दिन आपसे बात करता हूँ, इनसे कुछ बोलता हूँ तो लगता है कि ये गलत भी नहीं है। मैं परेशान हो चुका हूँ भगवान, कभी तो कुछ बोलो। अरे भाई कैसे चल रहे हो, देखकर नहीं चल पा रहे क्या, कैसे उदास हो तुम? अरे भैया आप कौन? अरे मैं ब्रह्मचारी वर्धमान भैया हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है? अरे भाई बैठो, मुझे बताओ तुम्हारे मन में क्या बात है? भैया आजकल मैं कभी मंदिर नहीं आऊँगा। अरे क्यों? भैया मैं स्कूल में जाता हूँ तो मुझे सब स्कूल में चिढ़ाते हैं, और घर पे जाता हूँ तो घर पे लड़ाइयाँ होती हैं। क्या मेरा जैन होना ही इतना गलत है क्या? अरे नहीं, जैन होना तो एक गर्व की बात है। अरे तुम्हारे मन में जितनी भी बातें हैं उन सब का उत्तर मैं कल दूंगा, आज मुझ पर समय नहीं है, इसलिए तुम कल इसी समय पर आना। मैं अल्पज्ञ हूँ आकिंचन, हसी करे प्रभु विद्वज्जन, करती है बात चाल मुझे भक्ति आपकी हे स्वामी। जब बसंत ऋतु आती है कोयल खू खू गाती है, सुंदर आम्र मंजरी ही तब कारण बन जाती है, प्रभु तेरी मूरत मेरे मन को भाए रे। अरे भाई तुम आ गए। भैया मैं आ तो गया हूँ, अब आप मेरी जिज्ञासा तो सुलझाओ। अरे तुम्हारी जिज्ञासा मैं सुलझाता हूँ। भैया मैं आज से नहीं 3-4 सालों से परेशान हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल निकाल दूंगा। भैया मेरी सबसे पहली जिज्ञासा ये है कि जब आज आप सुबह जुमीरा जाए उनसे आप जा रहे थे, वो ऐसे करके क्यों चल रहे थे? अरे मैं बताता हूँ, वो सुबह हाल लेने के लिए जा रहे थे अपनी विधि लेकर। भैया ये हार क्या होता है और ये विधि क्या होती है? अरे ये हार चर्या होती है जो अभी तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें मुनिराज की पूरे दिन की चर्या बताता हूँ। दिखाबर मुनिराज ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं,
बड़ी कमाल बनते हैं और चार पसवण खेल सिहार वेली बैठियावणी है बैठवंते जो कोई पाणावा उदावा जीवावा सत्तावा संतुतावा संगारिदावा उदावदावरा पदावदावा इतवे जो कोई राजू अलचारो अलचारो तस्वच्छा में पड़ा। फिर उसके बाद वो सामायिक स्वाध्याय और प्रतिक्रमण करते हैं। यह प्रतिक्रमण क्या होता है? जाने अनजाने में किसी की भी निंद्रा रहना या उससे आलोचना की हो उसका पश्चाताप किया जाए उस पश्चाताप को ही प्रतिक्रमण कहते हैं। फिर वो भगवान की वंदना करते हैं। अब वो अपने भक्तों को धर्म का उपदेश यानी जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कदम कदम पर आप संभल कर चलिए, आप ये मत समझिए ये परिवार है हमारा। और फिर जैसे ही उनका उपदेश पूर्ण होता है वो अपनी गुना शुद्धि कर भगवान के सामने विधि लेकर आहार के लिए निकलते हैं। भैया ये आहारचर्या क्या होती है, ये विधि क्या होती है? सुनो, दिगंबर मुनिराज जब भी आहार के लिए निकलते हैं तो अपनी पुण्य की परीक्षा के लिए कोई ना कोई संकल्प लेके निकलते हैं। जैसे यदि आज कोई दोस्त रिफल लेके प्रगान करेगा तो वो उसके आहार के लिए जाएंगे। जिसमें वो सब कुछ समझकर और देखकर खाते हैं। कभी कभार मुनिराज का अंतराय भी हो तो परमान भैया का अंतराय कैसे हो जाता है? जब मुनिराज की अंजलि में बाल आ जाए या कोई अन्य जीव आ जाए तो वो अपनी अंजलि छोड़कर अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। और फिर वो उस अंतराय का अपने गुरु से पश्चाताप लेते हैं और उसके बाद प्रतिक्रमण करते हैं। आकर वो अपने स्वाध्याय में लीन हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनके भक्त लगभग 3:30 बजे दर्शन के लिए आते हैं और उन सबको
शास्त्र स्वाध्याय एवं धर्म का उपदेश देते हैं। अहिंसा में विश्व धर्म की प्रदक्षिणा कर्मणि अनंतानंद दृष्टि सुख विज्ञानमयेना। अहिंसा में विश्व धर्म संसारी जीव जिनकी परिभाषा में हम देख सकते हैं नवेकर भागकर और फिर वो क्या करते हैं? फिर वो लगभग 5 बजे प्रतिक्रमण करते हैं और 6 बजे देव वंदना के लिए मंदिर जाते और भगवान के सामने भक्ति पाठ कर उन्हें नमस्कार करते और 6:30 बजे अपने गुरु के प्रति भक्ति कर उन्हें प्रणाम करते। फिर वो क्या करते हैं? सुनो, वो फिर मौन हो जाते और अपना सामयिक ध्यान करते। रात में सूर्य अस्त के बाद जीवों की उत्पत्ति होने लगती है और यदि वो रात में बोलेंगे तो उन जीवों को ठेस पहुंचेगी, इसलिए दिगंबर मुनिराज रात्रि के समय मौन हो जाते हैं और जैसे ही उनका सामयिक ध्यान पूर्ण होता है सभी भक्त उनकी भैया वृत्ति करते हैं। भैया वृत्ति बस हाथ पैर दबाने से नहीं, गुरुदेव की हर आवश्यकता पूरी करना भैया वृत्ति कहलाती है। और फिर वो लगभग 10 बजे रात्रि विश्राम चले जाते हैं। कुछ पाना है कुछ छोड़ो, कुछ कुछ पाना है कुछ कुछ छोड़ो, बहुत कुछ पाना है बहुत कुछ छोड़ो, अगर सब कुछ पाना है सब कुछ छोड़ दो।